मानता हूं। और इसमें से एक सूत्र छूट गया जो बहुत आवश्यक, सुबह सुबह उठकर पहले पानी पिए, सुबह सुबह उठकर पहले पानी पिए। कारण मैं बता चुका हूं कि उठते ही आपके मुंह में जो लार बन रही है वो बहुत 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 कीमती है, उसकी कीमत लगा नहीं सकते आप, वो एकदम अमूल्य चीज है, वो अंदर ही जाए तो अच्छा है। तो आप उठते ही पानी पीने का नियम बनाए। कितना पानी पिए, मैंने बताया था 18 से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको लगभग 1.5 से 2 गिलास, 60 से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं उनको भी 1.5 से 2 गिलास, और आप जिस उम्र में हैं 18 से 60 तो कम से कम 3 गिलास। पीने का तरीका वही है, सिप 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 करके पीना। और ये सुबह का पानी अकेला पानी है जो बिना प्यास के भी पीना। जी, ये मुख्य नियम मैं मानता हूं आपको जरूर धारण करने चाहिए। और मेरी एक दूसरी गुजारिश है, आप जितने भी लोग बैठे हैं इन सब नियमों को पालन करें आज से। कुछ ने तो शायद शुरू भी किया है 2-3 दिन से, जरूर पालन करें। हो सकता है कि 6 महीने के बाद 8 महीने के बाद मेरी आपकी फिर मुलाकात हो, तब आप मुझे इसकी रिपोर्टिंग करें। रिपोर्टिंग करें क्यों, मैं आप सबको बागभट्ट का चेला बनाना चाहता हूं। मैं ये चाहता हूं, मैं विनम्रतापूर्वक कह रहा हूं, मैं ये चाहता हूं कि जो ज्ञान मैंने 6 साल में लिया ये साल भर में आपके पास पूरा पहुंच जाए। क्यों, आप तो इसको अपने जीवन में पालन करके स्वस्थ रह ही सकते हैं, अपने परिवार को भी रख सकते हैं और पड़ोसियों को भी रख सकते हैं। और बागभट्ट ने कहा है कि जो अपने दुखों को दूर कर ले और दूसरों के दुखों को दूर करने का काम करे वही मोक्ष का भागी है, माने भागीदार हो सकता है। तो मैं चाहता हूं आप सब मेरे साथ मोक्ष में चलें, वहां भी हम यही करेंगे।